हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ राजेश कुमार शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 5, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इन प्रीवियस क्लास वी आर डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो जिसमें की जो है तीन टाइप के हम लोग पढ़े थे। कौन कौन सा? फर्स्ट वन दैट इज यक्स 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 वाई, ठीक। दूसरा आपका क्या था? यक्स 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 जीरो। तीसरा आपका जो है क्षेत्र के साथ वो क्या था? जेड डब्ल्यू, ठीक। यही कैन राइट जेड जेड, ये तीनों आपके जो है ठीक है, ये तीनों आपके मेल हैं, ये जो है फीमेल है। ये बर्ड का स्पेसिफिक केस है, बर्ड। ठीक, ये दो केस जो है आपके अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड इंसेक्ट्स। ठीक, तो देखिए इसमें जो है दो फर्स्ट टू केसेस में क्या था? फीमेल जो है होमोजाइगस है, दो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक, जबकि मेल आपका हेटरोजाइगस है, ठीक, एक्स वाई एंड एक्स जीरो। और थर्ड केस में क्या था? बर्ड के केस में आपका फीमेल आपका जो है हेटरोजाइगस है, जबकि मेल आपका कैसा है? होमोजाइगस, ठीक। ये तीन हम लोग पढ़े थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के कंसेप्ट में देखिए, ये लागू होता फर्स्ट वाला, ठीक, यक्स यक्स एंड यक्स वाई, ये फीमेल होती है, ठीक, और ये जो है मेल होते हैं, ठीक। होता क्या है, जहां भी ठीक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक, वेर एवर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट, द रिजल्टेंट विल बी मेल वन, ठीक। इन एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम द रिजल्टेंट आर ऑफ स्प्रिंग विल बी फीमेल वन, ठीक, क्लियर हो गया। तो मेल ह्यूमन के केस में जो है मेल रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। जो ट्रेडिशनल व्यू है ठीक है, हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन में है, जनरली क्या किया जाता है? ब्लेम किया जाता है फीमेल्स को कि यू आर प्रोड्यूसिंग ओनली ए फीमेल चाइल्ड, दैट इज ए मिथ, ठीक, वो सही नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंगली जो है मेल आर फीमेल प्रोड्यूस करने के लिए द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन विल बी मेल, ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए होता क्या है, कैसे क्रॉस करवाते हैं हम। यक्स यक्स एंड यक्स वाई, देखिए इससे जो है ठीक है फ्यूजन होगा यक्स यक्स, ठीक, फिर इसी को लीजिए वाई से करवाइए यक्स वाई, फिर इसको लीजिए ठीक यक्स 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 वाई, मीन्स ये क्या होगा? मेल, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, ठीक। तो जहां भी आपके वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे वो आप स्प्रिंग क्या होगा? मेल होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। द मेल इज सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्लियर हो गया। इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड दैट सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट इज एक्स वाई टाइप, ठीक है, पहले जो हम लोग डिस्कस किए अभी
एक्स वाई टाइप आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट 22 पेयर आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। जैसा कि पहले लेक्चर में ही बताए थे 23 पेयर जो आपके डिवाइड होते हैं टू पार्ट में, 22 ऑटोसोम एंड वन पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। दीज आर द ऑटोसोम्स, ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द फीमेल वेयर एज द प्रेजेंस ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर डिटर्मिनेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस एमंग मेल टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। तो मेल के केस में जान ही रहा है दो तरह की आपके जो है, ठीक है, मेल के केस में क्या होगा, दो तरह का गैमेट फॉर्म होगा ना, एक्स एंड वाई। तो जहां वाई जाएगा वो मेल होगा, एक्स एंड वाई आर डिटर्मिनेंट ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस एमंग द मेल टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस दैट इज 50% ऑफ द टोटल स्पर्म प्रोड्यूस कैरी एक्स क्रोमोसोम एंड 50% वाई क्रोमोसोम। बिसाइड द ऑटोसोम फीमेल्स हैव हाउएवर प्रोड्यूस ओनली वन टाइप। फीमेल के केस में क्या होगा, एक्स एक्स है तो दोनों जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, एक्स एक्स एक्स, ठीक, दोनों एक ही तरह के हैं, यहां पे दो तरह का है गैमेट। देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम एंड स्पर्म कैरिंग आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम। इन केस ऑफ ओवम फर्टिलाइज विद ए स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम द जायगोट डेवलप्स इनटू ए फीमेल, मींस मेल का एक्स और फीमेल का एक्स जो है जब फ्यूजन होगा तो क्या होगा, फीमेल। और जब वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म फर्टिलाइज विद द एक्स क्रोमोसोम देन द रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग विल बी मेल वन। दिस इज अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज म्यूटेशन। देखिए थोड़ा म्यूटेशन समझ लिए, म्यूटेशन जो है इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो है मीन तमाम तरह के जो आपके ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक, मीन्स मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर में जो है तमाम तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो ये जो बने हैं वो ग्रेजुअली बने हैं, ठीक, इवोल्यूशन जिसे बोला जाता है। और म्यूटेशन क्या है, ऑल ऑफ सडन चेंज, ठीक, अचानक से कोई जो है चेंज आ जाए बॉडी में, दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन का पता किसने लगाया था, ह्यूगो डिब्रीज एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पता लगाया था, ठीक। चलिए थोड़ा जान लेते हैं म्यूटेशन जल्दी दो टाइप के लिए होते हैं, एक सोमैटिक और एक जेनेटिक। सोमैटिक जो होता है म्यूटेशन, वो जो है वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर नहीं होते हैं, जबकि जेनेटिक जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल में जो भी म्यूटेशन होता है दैट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक। दो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। म्यूटेशन को अलग अलग बेसिस पे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक। लेट अस स्टडी म्यूटेशन इज अ फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंजेस इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। डीएनए में जब चेंज होगा तो ऑब्वियस है कि जीनोटाइप जेनेटिक मटेरियल में चेंज होगा और अपीयरेंस में भी चेंज होगा ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन टू रिकम्बिनेशन म्यूटेशन
इज अनदर फिनोमेना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। तो जैसा कि हम लोग लिंकेज में पढ़े थे, ठीक है, रिकम्बिनेंट, ठीक, तो रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर से तो जो है वेरिएशन होता ही होता है। म्यूटेशन भी एक रीजन है जो कि ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एज विल बी लर्न इन चैप्टर 6, डीएनए हेलिक्स रन्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम 1 एंड 2। जैसे डीएनए के कंसर्न में थोड़ा जान लीजिए, डीएनए जो है डबल हेलिकल मॉडल होता है, ठीक, तो ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डबल हेलिकल मॉडल गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, तो एंटी पैरेलल होते हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया 1 एंड 2 एंड ईच क्रोमेटिड इन हाईली सुपर क्वाइल फॉर्म, देयरफॉर लॉस ऑफ डिलीशन आर इंसर्शन मीन्स जो भी आपका जो है डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक, या तो उसमें जो है कोई सीक्वेंस ऐड हो या डिलीट हो जाए, तो ये जो है रीजन होगा किसके लिए, म्यूटेशन के लिए। जो आजकल कोरोना आजकल सुन रहे हैं, ठीक, तो अपना सेफ, जैसे एड्स के वायरस, एचआईवी वायरस भी है, ठीक, ये सब क्योरेबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो है एक स्ट्रक्चर अभी पता लगाया जाता है वायरस का, तब तक जो है ये म्यूटेट हो जाते हैं, मीन्स अपने जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर लेते हैं, इसीलिए इनका कोई पेनासिया रामबाण मीन्स 100% क्योरेबल मेडिसिन नहीं बन पा रहा, ठीक, यही रीजन होता है। या दीज आर हाईली म्यूटेबल मीन्स अभी एक स्ट्रेन का भी पता लगा रहे हैं, तब तक जो है ये म्यूटेट करके दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। Therefore, loss or deletion or gain in insertion or duplication of segment of DNA results in alternation of chromosome. Since genes are known to be located on chromosome, जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, genes कहाँ पाए जाते हैं, chromosome के ऊपर beaded form में, ठीक। Alteration in chromosomes result in the abnormalities or aberration. क्रोमोसोमल एबरेशन आर कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल्स इन एडिशन टू अबव म्यूटेशन आल्सो अराइज ड्यू टू चेंजेज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन मीन्स यदि एक सिंगल, ठीक है, बेस पेयर में चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन एट दिस लेवल, हाउएवर देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन, दीज आर रिफर्ड एज म्यूटाजेंस। म्यूटेशन के लिए जो है देखिए तीन टाइप के जो है, ठीक है, चीजें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। म्यूटेशन भी दो टाइप का देखिए डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल म्यूटेशन है आर्टिफिशियल। नेचुरल में मीन क्या हो जाएगा, जो कि नेचर के थ्रू होता है, ठीक, नेचुरली, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आर्टिफिशियल तीन टाइप के हो सकते हैं, बाय द यूज ऑफ बायोलॉजिकल थिंग आर केमिकल आर फिजिकल थिंग। तो ये जो है जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थिंग्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन को क्या करें, इंड्यूस करें। ओके, दिस इज ऑल अबाउट म्यूटेशन। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस पेडिग्री एनालिसिस। ओके, थैंक यू।